इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और खबरों के तूफान में इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से है, जहां अफगानिस्तान के हालात पर मंथन किया जा रहा है। संसद भवन में हो रही सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 6 मंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में विदेश सचिव का प्रेजेंटेशन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री ने बैठक में बताया कि अफगानिस्तान के हालात क्रिटिकल हैं और भारत जितने लोगों को संभव है निकालने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने सभी दलों के नेताओं को कहा है कि तालिबान दोहा समझौते में किए गए अपने वादों से पलट गया है। विदेश मंत्री ने सरकार का रुख साफ किया और कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, फिलहाल और कितने वक्त तक ये मीटिंग चलने वाली है? देखिए, अब तो थोड़ी देर के अंदर ये बैठक खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ सांसदों के जो सवाल जवाब का सेशन था वो चल रहा है। शुरू में विदेश मंत्री का स्टेटमेंट, उसके बाद जो प्रमुख चीज़ थी वो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उनका एक प्रेजेंटेशन हुआ था पूरे मामले को लेकर, अफगानिस्तान के क्राइसिस को देखते हुए और आगे भारत क्या कुछ करना चाहता है या क्या कुछ कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब कुछ सांसदों के जाहिर तौर पर अगर कोई सवाल या स्पष्टीकरण हो गए तो वो अभी चल रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी। और जो चीज़ें सामने आई उसमें आप देखें कि जो पहले से स्टेटेज पोजीशन है, जैसे भारत सरकार को या अमेरिका को या दुनिया के किसी भी देश को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अफगानिस्तान में इतना नाटकीय परिवर्तन हो जाएगा। 29 फरवरी 2020 में जब दोहा समझौता हुआ था अमेरिका और तालिबान के बीच, और तो उस कंडीशन के उसमें ये शर्त थी कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण होगा, लेकिन जाहिर तौर पर तालिबान उस वायदे पर खड़ा नहीं उतरा। तो ऐसे में भारत का भी जो अपना आकलन था, कल भी आपने देखा कि CDS बिपिन रावत ने किस प्रकार से बताया कि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो ये लेकिन अब जबकि सब कुछ हो गया है, तो अब ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि भारत अपने लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाल कर लेकर आए। और एक चीज़ आप देखें कि जब अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौता हुआ था तो उस समय भी कतर में जो भारत के राजदूत थे वो वहाँ पर भेजे गए थे, जो कि पहली बार के तालिबान शासन को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। लेकिन उस समझौते में कतर में मौजूद भारतीय राजदूत का जाना ये एक संकेत था कि इस बार तालिबान को भारत सरकार वैसे नहीं देख रही है, बशर्ते तालिबान इस बात को सुनिश्चित करे कि वो बदला हुआ है। इस पे अभी आगे देखना होगा कि आगे वहाँ की चीज़ें कैसे बदलती हैं। जाहिर सी बात है देवेंद्र, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है, चीज़ों के हालात पर वो नज़र बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।